बावली में एक बार फिर चाइनीज मांझे की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की गर्दन कट गई। गंभीर हालत में युवक को बड़ौत के मेट्रो हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। बड़ौत कोतवाली क्षेत्र के बावली गांव की यह घटना है, जहां पर एक हफ्ते में 3 युवक चाइनीज मांझे के शिकार हो चुके हैं। युवक के परिजनों ने बताया कि बाइक सवार युवक जनपद शामली के एलम गांव का रहने वाला है, जो देर शाम बाइक पर सवार होकर लुहारी गांव जा रहा था। जैसे ही वो बावली पहुंचा तो चाइनीज मांझे की चपेट में आ गया और उसकी गर्दन कट गई। मौके पर मौजूद लोगों ने युवक को बड़ौत की मेट्रो हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, वहां पर उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। आपको बता दें, पिछले एक सप्ताह में ये तीसरी घटना है। आए दिन हो रहे इस तरह के हादसों से लोगों में रोष बना हुआ है। परिजनों ने भी चाइनीज मांझे पर रोक लगाने की मांग की। भैया हॉस्पिटल आए, जहाँ बावली में घुसे, मेरा सवाल एकदम शाम लगा था, बावली में घुसा, उसमें चाइनीज जो मांझा है वो नाट में निकल गया। ये ज़्यादा 3-4 दिन पहले फिर हुआ था एक लड़के साथ, ऐसे ही जयपुर भी हुआ, यहाँ ही होता है बावली में घुसने से पहले ही घुसते ही हो जाता है। गर्दन सारी कटी हुई है। अब क्या आपको भैया सीरियस है? भैया मेरे पास तो फोन आया, मैं फ़ोन में भगा फिर उनसे, बावली किसी लड़के ने भर्ती करा, रास्ते में चलते हुए उन्होंने फ़ोन करा मेरे पास। इसको ये मांझे से इसकी गर्दन में आपकी क्रश इंजरी हुई, कट गई है इसकी गर्दन, और अक्सर ऐसे पेशेंट हो जा रहे हैं। अभी परसों 3 दिन पहले भी एक पेशेंट आया था, सोनू नाम का, वो बहुत ज़्यादा उसकी गर्दन कट गई थी, है ना। तो सरकार को देखना चाहिए और लोगों को भी समझना चाहिए, जागरूकता भी फैल रही है कि भाई मांझे ऐसे नहीं रखने चाहिए जो ये चाइनीज मांझे वगैरह आते हैं। और सरकार को इसको और सख्ती करनी चाहिए कि इस तरह की घटनाएँ ना हों। आए दिन अक्सर दिल्ली शांत रोड पर ऐसी घटनाएं हो रही है, और प्रशासन को देखना चाहिए कि कहां से मांझे आ रहे हैं, कहां से बिक रहे हैं, और इतने ख़तरनाक मांझे हैं कि इसमें जान चली जाती है। लास्ट ईयर एक पेशेंट था, बिल्कुल हमारे पास आया था, एक्सपायर हो गया था, और इस साल भी अभी तक का 2-3 पेशेंट आ चुके। अभी मेरे पास कुछ दिन पहले एक छपरौली का पेशेंट आया था, जिसकी मांझे से गर्दन कट गई थी। कल परसों ही पेशेंट था ही, बिजली डिपार्टमेंट का है ना, जो बावली में, जिसकी मांझे से गर्दन कटी थी, और आज फिर एक नया पेशेंट अभी देखने में आ रहा है।